बड़ी खबर बिहार में जारी सियासी घमासान से जुड़ी। बिहार में नीतीश कुमार किसका साथ छोड़ेंगे और किसका दामन पकड़ेंगे, इसको लेकर बीते दो दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, तो कोई महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक होने की दलील दे रहा है। लेकिन सच तो यही है कि बिहार में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन बिहार में सियासी बैठकों और बयानबाजियों का दौर चलता रहा। सुबह गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नीतीश और तेजस्वी एक मंच पर दिखे, लेकिन दोनों के बीच दूरियां साफ साफ दिखी। सूत्रों के मुताबिक पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई। इसके कुछ घंटे बाद राज्यपाल के आवास पर हुई टी पार्टी में नीतीश कुमार समेत कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव इस टी पार्टी में शामिल नहीं हुए। और हैरान करने वाली तस्वीर तो तब दिखी जब जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कुर्सी पर लगी तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को हटा दिया और खुद नीतीश कुमार के बगल में जा बैठे। तेजस्वी के नहीं पहुंचने के बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सवाल उनसे पूछिए जो नहीं आए। इस दौरान पत्रकारों ने नीतीश कुमार से बीजेपी के साथ जाने पर भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बयानबाजी भी गरमाई रही। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि अफवाहों को शांत करने के लिए नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मनोज झा के सवाल का जवाब देते हुए जेडीयू ने कहा कि बिहार सरकार में सब ठीक है। बिहार में जारी सियासी उठापटक पर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता भी नजर आए और बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार की सियासी हलचल पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर भी बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के हालात पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता। वहीं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने दावा किया कि अगले 48 घंटों में बिहार सरकार बदल जाएगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ हैं और बिहार की राजधानी पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ हैं। प्रशांत, क्या चल रहा है आखिर पाटलिपुत्रा की धरती पर? आरजेडी कह रही है कि नीतीश स्टैंड क्लियर करें, जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, हो क्या रहा है? देखिए चंदन, आरजेडी के सवाल का नीतीश कुमार ने आज 4 बजे राजभवन में जब हाई टी पार्टी चल रही थी तो स्टैंड क्लियर कर दिया था। जैसे ही नीतीश कुमार वहां पहुंचे, तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे, जो प्रोटोकॉल के आधार पर सीएम के चेयर के बगल में उनका चेयर लगाया गया था, वहां पर उनके नाम की पर्ची लगाई गई थी। जब वहां पर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे तो सीएम ने इशारे से अशोक चौधरी, जो भवन निर्माण मंत्री हैं यहां पर बिहार में, उनको अपने पास बुलाया और अशोक चौधरी ने आते ही उस पर्ची को फाड़ करके फेंक दिया और खुद उस चेयर पर जाके बैठ गए। इससे साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार के बगल का जो चेयर था जिस पर अभी तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठते थे, उस जगह पर अशोक चौधरी बैठ गए हैं। यानी अब आरजेडी से नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं है और नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है, अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि उनको महागठबंधन में नहीं रहना है। उनको महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए जब उनके लिए दरवाजा खोल चुकी है तो वो एनडीए के साथ चले जाएंगे। और इसका जो फैसला है चंदन, ये कल हो जाएगा। कल जब यहाँ पर जो बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है, उस बैठक का फैसला और उसमें जो विनोद तावरे हैं बिहार के प्रभारी हैं, वो जब अपन केंद्र के फैसले को बता देंगे, उसके बाद वहाँ से वो फैसला जब नीतीश कुमार तक पहुँचेगा तो नीतीश कुमार के घर विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन सरकार का इस्तीफा हो जाएगा और फिर नए सिरे से एनडीए सरकार के साथ नीतीश कुमार सीएम बनने का ठीक है। इस बीच अहम बैठक दिल्ली में भी चल रही है रविंद्र, जो बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है, इस बैठक का एजेंडा क्या है और अगर नीतीश कुमार जो आ रहे हैं तो क्या कुछ शर्तें जो है रखी गई हैं दोनों पक्षों की ओर से, बीजेपी की ओर से खासतौर पर? देखिए, जो बीजेपी के बैठक चल रही थी उस बैठक से अब विनोद तावड़े, जहां पर मैं खड़ा हूं और उनका निवास ठीक मेरे पीछे है, अभी अभी वो अपने निवास पर पहुंचे हैं, यानी वो बैठक लगभग खत्म हो चुकी है। और जाहिर सी बात है उसमें चिराग पासवान से मुलाकात करनी थी, उनसे उनको एक भरोसा देना था कि नया गठबंधन बन रहा है उसमें उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनकी जो बातें हैं उसको तरजीह दी जाएगी, उनकी जो इच्छा है उसको पूरा किया जाएगा, चाहे लोकसभा चुनाव के सीटों को लेकर हो या 2025 के विधानसभा चुनाव के सीटों को
लेकर हो। कल विनोद तावड़े यहाँ से जाएंगे और सभी पार्टी के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि ये बैठक कहा जा रहा है और बताया जाएगा सार्वजनिक तौर पर कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर है, लेकिन जैसा प्रशांत भी बता रहे थे कि वहां पर सबकी राय ली जाएगी, जैसा कि दिल्ली में जो आए हुए बीजेपी के नेता थे उनकी राय ली गई। अब ये तय है जैसा कि प्रशांत भी बता रहे हैं कि सरकार वहां बन रही है, बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन एक गठबंधन होने जा रहा है, फिर से उनकी वापसी हो रही है और ये गठबंधन 2024 और 2025 तक जारी रहेगा, जिसमें नीतीश की भी एक अहम भूमिका होगी, लेकिन बीजेपी की अपनी शर्तें यही है कि उनके जो घटक दल के नेता हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। बिहार में जारी सियासी खींचतान के बीच पटना से लेकर दिल्ली तक माहौल गरमाया हुआ है। चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, और इन चर्चाओं के बीच बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल देर रात बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने सम्राट चौधरी से बिहार के हालात पर सवाल पूछा तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर थी। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा। इस बीच बिहार बीजेपी के नेता प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव समेत कुछ अहम नेताओं को भी दिल्ली बुला लिया गया। 24 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से करवट लेती नजर आई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बिहार की सियासत को और तेज कर दिया। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आज ही हो जाएगा काजी खेला और का। जीतन राम मांझी के इस पोस्ट के कई मायने निकाले गए। बिहार के राजनीतिक हालात को देखते हुए दावा किया जाने लगा कि नीतीश कुमार आज ही पाला बदल सकते हैं, यानी वो लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले भी मांझी जनवरी महीने के अंतिम दिनों में बिहार की राजनीति में परिवर्तन होने का दावा करते रहे हैं। शुरू दिन से लेकर के 25, 30, 31 तक नीतीश कुमार भी कोई शुभ काम कर देंगे बिहार में, इसी आधार पर हमने कहा था कि खेला होए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के परिवारवाद पर दिए गए बयान का भी जिक्र किया और दावा किया कि बिहार में खेला होकर रहेगा, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बचेगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के बीच तल्ख होते रिश्तों को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बीते कुछ दिनों में बिहार की राजनीति को लेकर जो बातें सामने आई उससे ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी एक झलक गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिखाई दी। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक दूसरे से दूरी बनाते नजर आए। बताया गया कि तेजस्वी यादव कार्यक्रम में पहले ही पहुंच गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में पहुंचे तब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच औपचारिक अभिवादन हुआ। दोनों के बीच ये दूरियां उस समय भी दिखाई दी जब समारोह के बाद राज्यपाल को विदा करने पहुंचे, उस वक्त भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई। दिन गुजरने के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं और नीतीश कुमार इसी महीने की 28 तारीख को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बिहार में पुराना वाला फॉर्मूला लागू हो सकता है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे जबकि बीजेपी के कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि फैसला हो गया है और इस पर कभी भी मोहर लग सकती है। बात बहुत आगे बढ़ गई है, करीब-करीब डिसीजन हमको लगता है कि डिसीजन करीब-करीब हो चुका है और समय का ये है कब इसको रिजल्ट आने में जो भी 24 घंटा लगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी इशारों इशारों में नीतीश कुमार के एनडीए में आने के संकेत दिए। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है, वो दरवाजा बंद रहता हो सकता पड़ने पर खुल भी सकता है। इससे पहले जो बीजेपी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते थे आज वो भी नीतीश की तारीफ के पुल बांधते नजर आए। नीतीश जी और मोदी जी में बहुत समानता है, विचारधारा में बहुत समानता है, दोनों परिवारवाद के खिलाफ है, दोनों ईमानदार व्यक्ति है। दावा तो यहां तक किया जाने लगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार में डील फाइनल हो चुकी है, बस मोहर लगनी बाकी है। बिहार में जारी उठापटक के बीच कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना सकते हैं। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इस समझौते के मुताबिक 28 जनवरी को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, साथ ही उसी दिन बीजेपी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं।
बिहार में चल रही सियासी हलचल के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी रहा। जहां बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने के संकेत दिए, वहीं आरजेडी नेताओं ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा करार दिया। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी लार टपका रही है, लेकिन इसमें बीजेपी कामयाब नहीं होगी। ना ऐसा नहीं, जो है नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर हैं और सब लोग, सभी गठबंधन के सभी दल इनको मान सम्मान देते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी महागठबंधन में दरार की खबरों को झूठा बताया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही है मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती है। भले ही आरजेडी नेता लाख दावे करें कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, उससे नीतीश और लालू के बीच की दूरियां साफ झलक रही हैं। बिहार में इस वक्त कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बिना गठबंधन सत्ता की चाबी पाना नामुमकिन है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। मौजूदा नीतीश सरकार की बात करें तो महागठबंधन के पास आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एक निर्दलीय को मिलाकर 160 विधायकों का आंकड़ा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ते हैं तो भी बहुमत का आंकड़ा पा सकते हैं। उस स्थिति में बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 और एक निर्दलीय की मदद से एनडीए 128 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, यानी बहुमत के जरूरी 122 से 6 ज्यादा। वहीं महागठबंधन टूटने के बाद आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक बच जाएंगे, जो मिलकर 114 होते हैं, यानी बहुमत से 8 सीट दूर। और यही वजह है कि बिहार में जोड़ तोड़ की कवायद भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश में जुट गए हैं। और खबर है कि लालू यादव ने इसके लिए कई पार्टियों के नेताओं से संपर्क किया और उन्हें ऑफर भी दिया। हालांकि इस पर बाद में आरजेडी की ओर से सफाई भी दी गई। आरजेडी ने किसी भी पार्टी से संपर्क नहीं करने की बात कही है। बिहार में जारी सियासी खींचतान पर सिर्फ लालू यादव की ही नहीं, बीजेपी की भी नजर है। ये तो नीतीश कुमार पहले स्पष्ट करेंगे तब ना कोई बात आएगी। नीतीश कुमार को स्पष्ट करने दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। दरअसल नीतीश कुमार को भारतीय सियासत का ऐसा सूरमा माना जाता है जो हमेशा विकल्पों से भरे रहते हैं। लोकसभा चुनाव के समय उनके पास वापस एनडीए में लौटने का विकल्प भी तेजी से तैयार हो रहा है। Z News.